नमस्कार दोस्तों बसपा पार्टी से टिकट को लिया है क्या स्थित है यहाँ की इनके बारे में खुद बताएंगे आप अपना परिचय दीजिए मैं अनिरुद्ध यादव पुत्र सुर्गी के पी सिंह यादव एक सौ बत्तीस विधानसभा जलालाबाद से प्रत्याशी क्या स्थित है क्या माहौल है माहौल तो बहुत अच्छा है हम आठ महीने से डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं किसी का दरवाज़ा नहीं छोड़ते हैं किसी मोहल्ले किसी गांव में जाते हैं सबसे वोट मांगते हैं से रुख क्या बनाया जनता ने क्या रुख बनाया जनता ने तो बहुत अच्छा रुख बना लिया क्योंकि लोकल का कोई प्रत्याशी नहीं हम अकेले ही हैं बाकी कोई हरियाणा का है कोई गोरखपुर साइड का है जी। कोई पुवाया साइड का है और लोकल कोई नहीं तो हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप यहीं के रहने वाले हैं हम लोकल मिर्जापुर ब्लाक पड़ता है मैं लोकल का हूँ और मैं सेंटर पर हूँ जललाबाद अल्लाहगंज कलान ये तीनों जगह बीच में, में मेरा घर पड़ता है देखिए चुनाव जब होता है तो कुछ मुद्दे होते हैं और चुनाव जो होता है मुद्दों पर ही होता है आपके क्या मुद्दे रहेंगे जनता को क्या सेवाएं देंगे क्या उनकी सेवा करेंगे सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे आवारा पशु और गौ माता का है जी दूसरा मुद्दा ये भगवान परशुराम जी का पर्यटन स्थल घोषित नहीं हो पा रहा ये बहुत दिन से मुद्दा चल रहा है पता नहीं कितना समय हो गया होगा हम तो अभी बहुत जल्दी आए और तीसरा मुद्दा है कोलाघाट का पुल जी चौथा मुद्दा है बिजली की समस्या बहुत है जलालाबाद में कस्बे में नहीं पूरी विधानसभा मिर्जापुर वो जलालाबाद और कलान दोनों इलाक़ों में और चौथा समस्या पाँचवीं समस्या है ये बेरोजगारी बहुत है युवा सब आप देखते हैं बोर्ड मांगते हैं सबसे ज़्यादा युवा ही मेरे साथ घूमता है पढ़े लिखे हैं एम ए हैं बी एड हैं टी टी टेड नेट सब पास हैं जी। और फिर भी नौकरी नहीं है यहाँ पे अगर शिक्षण संस्थान और खुलवाए जाएं तो और भी उत्तम रहेगा शिक्षण संस्थान तो हम ही खोलने को हैं ज़मीन हम काफ़ी समय दो साल से देख रहे हैं मुझे जितनी ज़मीन चाहिए नहीं मिल रही है में यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की और मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन ज़मीन उतनी नहीं हमको मिल रही है हम प्रयासरत हैं मिल जाती है तो मिर्ज़ापुर में यहाँ जलाबाद में और अल्लाहगंज में दो जगह डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जलाबाद में जरूर बनवाएंगे मिर्ज़ापुर में और कलान में तो मेरा डिग्री कॉलेज खुदा इंटर कॉलेज बहुत सारे हैं लेकिन जललाबाद में एक सरकारी कॉलेज है डिग्री कागज लेंगे वहाँ बी की ही क्लासें चलती हैं वहाँ ही कोई क्लास नहीं आज क्या परशुराम बाबा का आशीर्वाद लेने आए हम आशीर्वाद तो पहले भी लेने आए थे टिकट लेने गए थे उससे पहले आए थे जी। और गुरु जी मिले थे उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे टिकट मिला जी एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा आपसे जलालाबाद नाम चेंज करके परशुरामपुरी रखने के लिए यहाँ की जनता बहुत उत्सुक है और उसकी इच्छा भी है कि इस नगरी को जलाबाद के नाम से ना जान करके परशुरामपुरी अगर रखा जाए तो बहुत बेटर होगा यह समाज के हित में भी होगा इस पर आप क्या कहते परशुरामपुरी रखना चाहिए आप तो अभी शाम के टाइम आए अगर दिन में आके यहाँ देखिए और माता जी का मंदिर है वो जलालाबाद के बाहर है वहाँ हम हर साल आते हैं जो भंडारा होता है वहाँ पर भाग लेते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और राधा कृष्ण का अभी वहाँ पर मंदिर बना है वो तो बहुत अच्छा अभी नया बना है बाकी तो मंदिर पुराने हैं अब भंडारे में जो प्रसाद खाओ तो वैसा प्रसाद कहीं मिलता ही नहीं है हमने अभी जहाँ जितने भी भंडारे खाए अपने क्षेत्र में अगर आप तो अगर, तो अगर, तो अगर अगर आपको कामयाबी मिली आपकी जो जलाबाद की जनता है या इस क्षेत्र की जनता है अगर आपको चुनेगी तो क्या आप नाम बदल देंगे जलाबाद का मैं नहीं बदल सकता हूँ आपको बता दें आप बहुत छोटी बात है लोग कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है तो जलाबाद के अभी तक जो भी विधायक बने हैं किसी ने सदन में बैठ के ये मुद्दा नहीं उठाया है कि भगवान परशुराम की जन्मभूमिया ये पर्यटन स्थल बनाया जाए और परशुराम पूरी नाम रखा जाए लेकिन अभी किसी ने ना किसी मंत्री ना किसी विधायक किसी ने मुद्दा उठाया है आपको जनता ने चुन लिया आप उठाएंगे हम उठाएंगे और सरकार के लिए बहुत छोटी बात है लेकिन वहाँ कोई उठाए तो मुद्दा अगर मुद्द, मुद्दा उठाएगा तो बाकी विधायक भी सपोर्ट करेंगे वहाँ कोई उठाता ही नहीं है चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद